स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हम आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट बैक क्रॉस। अब इस बैक क्रॉस के बारे में कल मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी कि अगर हम F1 हेटेरोजाइगस कंडीशन वाले पेरेंट को क्रॉस कराएंगे इधर ऑफ द पेरेंट, दैट मींस इधर द पेरेंट मे बी द डोमिनेंट पेरेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। जैसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने हमने बताया था हमारे पास था कैपिटल टी क्रॉस्ड विद स्मॉल टी, एंड व्हेन देयर वाज द गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होती थी तो हमारे पास यहाँ पे बनता था कैपिटल टी और यहाँ पे भी बनता था कैपिटल टी। और गैमेट फॉर्मेशन जो होती है इसके लिए जो प्रोसेस होती है दैट्स कॉल्ड एज ए मियोसिस। तो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास आ जाता है स्मॉल टी और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है स्मॉल टी। This is called as a true breeding, but homozygous recessive हम इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं homozygous recessive इस वाली condition को, इस वाले parent को, और इस वाले parent को हम बोलते हैं homozygous dominant। और अगर हम किसी भी पेरेंट के साथ F1 जनरेशन को क्रॉस कराएंगे, चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट हो चाहे होमोजाइगस रिसेसिव या ट्रू ब्रीडिंग जिसको आप बोलते हैं, अगर उसके साथ हम क्रॉस कराएंगे दैट क्रॉस विल बी कॉल्ड एज बैक क्रॉस। तो हमारे पास जो प्रोजेनी आती है कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे फिर से आ जाती है हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाता है और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाता है कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो प्रोजीनी हमारे पास आ जाती है F1 जनरेशन जिसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन की अगर हम बात करेंगे सारी जो हमारे पास प्रोजीनी है दैट इज ए हाइब्रिड टॉप। और इस कंडीशन को हम बोल भी सकते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। याद आ रहा है मैंने ये चीज बताई थी आपको पहले, हेटेरोजाइगस कंडीशन इसको बोल सकते हैं, हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। तो हम ये बोलेंगे जब हमको टेस्ट क्रॉस को डिफाइन करना हो, तो मैंने डेफिनेशन लिखाई थी आपको कि अगर हम F1 जनरेशन F1 हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग को क्रॉस कराएंगे इधर ऑफ द पेरेंट, चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ चाहे हम इसको क्रॉस कराएंगे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, इस क्रॉस को हमने बोला था दिस इज कॉल्ड एज ए बैक क्रॉस। व्हाट इज द क्रॉस कॉल्ड एज बैक क्रॉस। ये चीजें मैंने आपको कल बताई थी कि अगर हम F1 जनरेशन हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स को क्रॉस कराएंगे विद ईदर ऑफ द पेरेंट, विद ईदर ऑफ द पेरेंट लाइक वी विल क्रॉस इट बैक फ्रॉम बैक टू द ईदर ऑफ द पेरेंट लाइक होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, हम ये बोलेंगे इस क्रॉस को हम बोलते हैं बैक क्रॉस। सो अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम ये लिखेंगे इफ F1 हेटेरोजाइगस पेरेंट्स या हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स आर क्रॉस्ड बैक विद, ये भी आप डेफिनेशन में लिख सकते हो, आर क्रॉस्ड बैक विद, आर क्रॉस्ड बैक, जैसे आप इसको ले सकते हो पेरेंट वन, इसको लिख सकते हो पेरेंट टू, ये भी लिख सकते हो ना। सो इफ F1 हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स आर क्रॉस्ड बैक विद ईदर ऑफ द पेरेंट, ईदर ऑफ द पेरेंट, ईदर ऑफ द पेरेंट्स दैट इज P1 या P2 के साथ, ईदर ऑफ द पेरेंट दैट P1 या P2 के साथ, द क्रॉस इज नोन एज, द क्रॉस इज नोन एज बैक क्रॉस। इस क्रॉस को क्या बोलते हैं बेटा, बैक क्रॉस। फिर और एक चीज जो मैंने आपको कल बताई थी कि बैक क्रॉस जो हमारे पास है इसके दो टाइप्स है, तो बैक क्रॉस जो हमारे पास है ये दो टाइप्स का हमारे पास, देखो दो टाइप्स कैसे है मैं बताऊंगा आप लोगों को। पहला टाइप जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज आउट क्रॉस, और दूसरा जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। तो दो तरह के क्रॉस हमारे पास है, एक है आउट क्रॉस और दूसरा जो हमारे पास है वो है टेस्ट क्रॉस। अगर हम आउट क्रॉस की बात करेंगे तो अगर हम F1 हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग को क्रॉस कराएंगे विद होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट, that means if we cross capital T small t that is a heterozygous offspring
with a homozygous dominant parent that is capital T back cross करेंगे, उस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे आउट क्रॉस। और अगर हम F1 heterozygous offspring back cross कराएंगे with homozygous recessive parent and that cross is a back cross but that cross is known as a test cross, इसको हम क्या बोलोगे बेटा, टेस्ट क्रॉस। और इसको भी क्या बोलोगे आप, दिस इज बी कॉल्ड एज आउट क्रॉस। इसको हम क्या बोलोगे, आउट क्रॉस। पॉइंट याद रखना है। तो अगर हम आउट क्रॉस की बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे इफ एफ वन हेटेरोजाइगस पेरेंट, सॉरी ऑफस्प्रिंग, हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग इज क्रॉस्ड बैक विद homozygous dominant parent the cross will be called as out cross। अगर आप इसको represent करना चाहोगे तो आप बोलोगे हमारे पास F1 generation जो offspring है वो capital T small t है, हमने उसको cross कराया किसके साथ, capital T के साथ, homozygous dominant parent के साथ। तो हमने अगर ये क्रॉस बनाया, इस क्रॉस को हम बोलते हैं आउट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस किसको बोलोगे, टेस्ट क्रॉस हम बोलेंगे इफ एफ वन हेटेरोजाइगस ऑफ स्प्रिंग इज क्रॉस्ड बैक विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, homozygous recessive parent, the cross will be called as test cross। And we have the example, like we have a representation for that, capital T small t crossed with small t, if this type of cross you have, this will be called as test cross। अब सबसे important point मैं बताऊंगा इन दोनों का, तो हम ये बोलेंगे out cross and test cross are the two types of what, back cross, but vice versa is not true। vice versa क्यों नहीं true मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना, जब हम इनको explain करेंगे उस time में बताऊंगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि test cross and out cross are the two types of back cross and vice versa is not true। vice versa जो है वो क्या है, वो true नहीं। ये point आप highlight करके वहां पे लिखोगे। तो this was little bit about the back cross, दो types है हमारे पास। let's perform all these crosses and we will see कि हमारे पास जो इन दोनों में cross है किसकी application है और कौन हम use करते हैं और कौन सा क्रॉस जो है हमारे पास जेनेटिक्स में एप्लीकेबल नहीं है। हम दोनों को ले लेंगे, हम आउट क्रॉस को भी ले लेंगे और टेस्ट क्रॉस को भी ले लेंगे। अब देखो अगर हम जनरली इन दो पॉइंट्स को यहाँ पे देखेंगे, टेस्ट क्रॉस जो है इट इज नॉट यूज्ड टू डिटरमाइन द हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ ट्रेट। तो बैक क्रॉस हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, टू डिटरमाइन द हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ ए ट्रेट, किसी ट्रेट की हेटेरोजाइगस कंडीशन को क्या करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। लेकिन आउट क्रॉस जो है, आउट क्रॉस डू नॉट व्हाट यू कॉल, इट इज नॉट शोइंग द व्हाट यू कॉल हेटेरोजाइगोसिटी, नॉट डिटरमाइनिंग द हेटेरोजाइगोसिटी। सो द टेस्ट क्रॉस इज एप्लीकेबल फॉर डिटरमाइन द हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ द ट्रेट। वी विल सी इट इन ए क्रॉस, ओके, क्रॉस के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन मुझे बोलो फिर, ये तो जनरल पॉइंट्स है अभी, ठीक है, आगे चलते हैं। चलो आगे चल के हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप सॉरी
चलो आगे चलते हम देखते हैं. लेट्स टेक द टेस्ट क्रॉस. लेट्स टेक द फर्स्ट वन इज आउट क्रॉस. हम आउट क्रॉस को पहले लेते हैं. सभी इधर रख दो, ठीक है ना. तो आउट क्रॉस में हमने क्या बोला था कि हमारे पास होमोजाइगस, सॉरी हिटेरोजाइगस F1 जनरेशन जो है, दैट इज अ कैपिटल टी स्मॉल टी, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की थी, हमने उसको क्रॉस कराया था होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ. ये इसको हमने बोला था आउट क्रॉस. व्हाट वाज द क्रॉस कॉल्ड एज? तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, वी हैव अ गैमेट फॉर्मेशन कैपिटल टी एंड वी हैव अ गैमेट फॉर्मेशन स्मॉल टी. हियर वी हैव अ कैपिटल टी, हियर वी हैव अ कैपिटल टी, इजंट इट? सो दिस इज अ गैमेट फॉर्मेशन. एंड व्हेन देयर वाज द फ्यूजन, दिस कैपिटल टी कंबाइंड विद कैपिटल टी, वी हैव कैपिटल टी, and this capital T combined with capital T, we have capital T, capital T. Similarly, we have capital T, small t, then we have a capital T, small t. तो जब हमने इस प्रोजीनी को देखा, all were tall, या हम ये बोलेंगे all offsprings, या ऑल पी प्लांट्स भी लिख सकते हो, ऑल ऑफ स्प्रिंग्स वायर सिमिलर, सारे जो ऑफ स्प्रिंग्स थे वो सिमिलर थे. तो यहाँ पे आप हिटेरोजाइगोसिटी ऑफ द ट्रेट जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, टेयर टॉल है कि डॉफ है. आपको कई जगह पे आता है टॉल एंड डॉफ, नहीं आता है. तो आप देखते हो सारे ऑफ स्प्रिंग जो वो सेम है. तो अगर सारे ऑफ स्प्रिंग सेम है तो आपको ना टॉलनेस दिखती है ना डॉफ दिख रहा है. तो आपको सारे टॉल, क्या हिटेरोजाइगोसिटी यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हो आप? नहीं कर सकते. चलो इसी को हम ले लेंगे किसके अंदर, टेस्ट क्रॉस के अंदर. देखो इसके कंपैरिजन में ला रहा हूं मैं ताकि आप चीजों को अंडरस्टैंड करोगे. तो अगर हम टेस्ट क्रॉस की बात करेंगे तो टेस्ट क्रॉस में हमने क्या लिया था, कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन हिटेरोजाइगस कंडीशन. हमने इसको क्रॉस कराया था रिसेसिव के साथ. किसके साथ? रिसेसिव के साथ. तो जब हमने क्रॉस किया तो हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन थी कैपिटल टी, देन वी हैव अ स्मॉल टी, देन वी हैव अ स्मॉल टी, देन वी हैव अ स्मॉल टी, इजंट इट? तो जब हमने फ्यूजन कराया हमारे पास आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, देन वी हैव अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, देन वी हैव स्मॉल टी स्मॉल टी, देन वी हैव अगेन स्मॉल टी स्मॉल टी. तो हमने देखा ये दो जो है ये टॉल है और ये दो जो हमारे पास ये डॉफ है. तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो हिटेरोजाइगोसिटी ऑफ द ट्रीट, that means whether the parent is, whether the offsprings are tall and dwarf, it can be determined here. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे phenotypic ratio जो है, phenotypic ratio जो हमारे पास आ जाता है, that is physical appearance. दो क्या है हमारे पास? Tall. दो क्या है हमारे पास? Dwarf. तो हम ये बोलेंगे it will be 2:2, that will be equal to 1:1. हमारे पास क्या आ जाता है? Phenotypic ratio. और ये phenotypic ratio confirm करता है हमारे पास हिटेरोजाइगोसिटी ऑफ द ट्रीट. क्या यहाँ पे हिटेरोजाइगोसिटी डिटरमाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे जो भी आप स्पीस आ गए वो टॉल आ गए. अब तुम्हें पता ही नहीं चलता इसमें हिटेरोजाइगस कौन है और होमोजाइगस कौन है, क्योंकि सारे तो टॉल आ रहे हैं पी प्लांट्स. लेकिन यहाँ पे तो पता चलेगा आप लोगों को, क्योंकि कुछ टॉल आ रहे हैं कुछ डॉफ आ रहे हैं. और जब आप एफ वन जनरेशन की बात करते हो वो किस कंडीशन में होती है? हिटेरोजाइगस कंडीशन. तो आप बोलते हो ये जो टॉल हमारे पास है ये हिटेरोजाइगस होगा. होगा कि नहीं होगा? क्योंकि F1 जनरेशन है. तो आपने डिटरमाइन किया विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस हिटेरोजाइगोसिटी ऑफ द ट्रीट. दैट मींस दिस ट्रीट इज व्हाट? इट इज अ टॉल. बट व्हिच टॉल इट इज? हिटेरोजाइगस टॉल. सो यू हैव डिटरमाइंड हियर द हिटेरोजाइगोसिटी बिकॉज़ यू हैव द अदर्स व्हिच आर डॉफ. बट लेकिन यहां पे अगर आप हिटेरोजाइगोसिटी ढूंढोगे ढूंढ पाओगे? नहीं. क्यों नहीं ढूंढ पाओगे? क्योंकि सारे पीपल आर जो तुम्हारे पास आ जाएंगे वो सिमिलर आ जाएंगे. तो आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें हिटेरोजाइगोसिटी आ गई कि होमोजाइगस कंडीशन आ गई. तो यहाँ पे आप डिटरमाइन नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ पे कर सकते हो. यहाँ पे जो टाल तुम्हारे पास आ गए वो सारे हिटेरोजाइगस होंगे और डाब जो होंगे वो सारे क्या होंगे? होमोजाइगस होंगे. तो इस तरह आप क्या कर सकते हो? हिटेरोजाइगोसिटी ऑफ द ट्रीट जो है वो डिटरमाइन कर सकते हो. किस क्रॉस के थ्रू? दैट इज द टेस्ट क्रॉस. ठीक है बेटा, पॉइंट आगे समझ में. सो अगर आप इसकी एप्लीकेशन लिखोगे तो आप बोलोगे टेस्ट क्रॉस is used to determine, test cross is used to determine the
हिटेरियोज़ाइगोस्टी। आप है ट्रीट टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द हिटेरियोज़ाइगोस्टी ऑफ द ट्रीट। इज इट एप्लीकेबल फॉर दिस आउट क्रॉस? नो, दैट्स व्हाई वी सी समटाइम्स द बैक क्रॉस इज used to determine the heterozygosity, isn't it? Mm-hmm. But in a back cross, which one is used? Test cross. So it's out cross applicable for that? Mm-hmm. That is why we say the out cross and the test cross are the two types of what? Back cross. Mm-hmm. But the vice versa is not true. इसलिए हम vice versa को इस पे true नहीं लाते, ठीक है ना? आप एक question लिखो, जल्दी से लिखो आप एक question. फिर मैं उस क्वेश्चन को आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा।